हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रामदास, और जो है आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाया हूं। जियो जियो ने जो है आपका चार्जेज लगाना शुरू कर दिए हैं 6 पैसे पर मिनट। तो बेसिकली हम समझते हैं कि है क्या चीज़। 6 पैसे पर मिनट जो जियो ने लगाया है, ये आपका IUC है। IUC का मतलब क्या होता है? इंटर कनेक्शन यूजेस चार्जेज। कहने का मतलब है कि मेरे पास जियो का सिम है, मैंने फ़ोन करा, सामने वाले के पास वोडाफोन है, तो मैंने जियो से वोडाफोन पे करा, तो जियो को वोडाफोन को 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से चार्ज देना पड़ेगा। तो अब तक वो जियो खुद बियर करता था, अब उसने ये कस्टमर के ऊपर डाल दिया। और ये 6 पैसे पर मिनट जो चार्ज है, ये लगाता कौन है? ये लगाता है आपका ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जो आपका ट्राई है, ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? ये एस्टेब्लिश हुआ था आपका 20 फरवरी 1997, और इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, और इसका चेयरमैन जो है आपका राम सेवक शर्मा सर हैं। राम सेवक शर्मा जी आपका इसके चेयरमैन हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मैंने जो है आपको इसके थोड़े से बेसिक डिटेल दे दिए हैं। अब आते हैं हम आपका मेन टॉपिक पे, जियो। तो जियो ने जो 6 पैसा पर मिनट लगाया, ये 6 पैसा पर मिनट कौन तय करता है? ये ट्राई करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई बेसिकली एक मॉनिटरिंग एजेंसी है, जो जितनी भी टेलीकॉम अथॉरिटी है इंडिया में, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, इन सबको जो मॉनिटर करता है, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जो तैयार करता है, वो ट्राई करता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसने जो है 6 पैसे पर मिनट करा है, ये भी 2 साल पहले करा है। इससे कुछ टाइम पहले ये 14 पैसे पर मिनट था। तो इसको 6 पैसे पर मिनट करा है। तो मेरे पास जियो का सिम है, मैंने किसी एयरटेल वाले को फोन करा, तो मैंने उसकी बैंडविड्थ यूज करी है, ठीक है? तो जियो जो है उसको 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से चार्ज करेगा जितनी देर मैं बात करूंगा। तो ये होता है आपका IUC, इंटर कनेक्शन यूजेज चार्ज। मेरा जो कनेक्शन है जियो का, वो कनेक्ट हुआ एयरटेल, वोडाफोन, XYZ, जिससे भी, तो उसका मैंने यूज कराया, तो उसको ये जियो चार्ज करेगा। अब कोई सामने वाला एयरटेल वाला है, वोडाफोन वाला है, उसने करा जियो को फोन, तो उसने आपका जियो का जो है नेटवर्क यूज करा, कनेक्शन यूज करा, तो अगर उधर से इधर कॉल आई जियो पे, तो सामने वाला जियो को पे करेगा, और जियो से अगर उधर गई तो जियो सामने वाले को पे करेगा। इसके बाद आते हैं जैसे मार्केट शेयर पे। आपका जो मार्केट शेयर है वोडाफोन का कम था, वोडाफोन आइडिया के मर्जर के बाद जो है इनका मार्केट शेयर जो है 38 करोड़ सब्सक्राइबर है, जो इनके कस्टमर बेस है वो 38 करोड़ है, और जियो जो है दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है आज के टाइम में टेलीकॉम में, इसके 34 करोड़ आपका सब्सक्राइबर है, यानी कि आपका कस्टमर बेस है। तो जियो आपका वोडाफोन और आइडिया का जो है मर्जर हो रखा है, मर्जर और एक्विजिशन, ये दो टर्म्स आती है। मर्जर का मतलब क्या होता है कि दो कंपनी है, मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाने में अच्छी है, एक मार्केटिंग में अच्छी है, तो दोनों का मर्जर हो गया। प्रोडक्ट बनाने वाली प्रोडक्ट में महारत है, मार्केटिंग में मार्केटिंग की महारत है, तो ये प्रोडक्ट बनाएगी अपनी ऑटोनॉमी के साथ, ये मार्केटिंग करेगी अपनी ऑटोनॉमी के साथ, तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। एक्विजिशन में क्या होता है कि सपोज करिए ए और बी दो कंपनी है, ए कंपनी बी कंपनी को खरीद के पूरी तरह से अपने अंदर में ले लेती है, बी कंपनी में क्या होना है क्या नहीं होना है, होल एंड सोल अथॉरिटी ए कंपनी के ऊपर होती है, तो ये एक्विजिशन होता है। मर्जर, दोनों अपनी फील्ड में जिसमें भी फास्ट है वो अपनी फील्ड में काम करती रहती हैं, तो ये यहाँ पे एक्विजिशन हुआ है, सॉरी यहाँ पे मर्जर हुआ है, एक्विजिशन नहीं हुआ है, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हुआ है। तो मर्जर होने के बाद आज के टाइम में इसका सब्सक्रिप्शन बेस जो है, कस्टमर बेस 38 करोड़ है, और जियो जो है सेकंड नंबर पे है 34 करोड़ के साथ। तो जियो ने अलग अलग आपके जो है चार्जेस निकाले हैं, 10 रुपये से लेके 100 रुपये के बीच में फिलहाल जो है अलग अलग जो है आपका चार्जेस है। 10 रुपये से 100 रुपये के बीच में आप कोई भी आप रिचार्ज करा लो, उसमें अलग अलग मिनट और अलग अलग डाटा मिलेगा, 1 GB से लेके 10 GB तक, 10 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक। 10 रुपीज़ में आपको 124 मिनट के आसपास और शायद 1 GB डाटा मिल रहा है, और 100 रुपये में 10 GB ज़्यादा और 1000 समथिंग जो है मिनट आपको मिलेंगे। तो बेसिकली इसमें एक क्लियरिफिकेशन अभी फिर आई है दोबारा रिलायंस के तरफ से, कि जिनका भी रिचार्ज 9 अक्टूबर से पहले का होगा, वो जब तक का उनका रिचार्ज है तब तक वो उसी मतलब रिचार्ज पे चलेंगे, 6 पैसे आपको देने की जरूरत नहीं है। जिनका आपका रिचार्ज 9 अक्टूबर के बाद है उनको 6 पैसे पर मिनट देना पड़ेगा। और इस पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन जो हैं आपके अंबानी, उन्होंने ये कहा है कि जब ट्राई ये चीज़ हटा देगी तो उसके बाद हम भी इस चीज़ को हटा देंगे, और जब तक ये ट्राई नहीं हटाएगी तब तक हम इस चीज़ को लाते रहेंगे। और भी टेलीकॉम अथॉरिटीज जो हैं, और भी टेलीकॉम कम्युनिकेशन की कंपनी है, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट करा है।
तो ये तो एक छोटा प्रस्पेक्टिव है कि भाई आपको 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से आपको टेलीकॉम कंपनी जो है जियो को देना पड़ेगा और 10 रुपये से 100 रुपये का रिचार्ज कराना पड़ेगा। तो ये ऐसा तो है नहीं कि जियो की कंपनी, जियो जब अस्तित्व में ही नहीं थी उससे पहले भी ये आईयूसी चार्जेस थे, कम ज़्यादा थे, अब कम हो गए बात अलग है, लेकिन थे उस टाइम भी। तो अब बेसिकली जो है क्या ये चीज़ जियो को पहले नहीं पता थी? बिल्कुल पता थी। तो जियो का जो प्लान, सिंपल सा प्लान अगर देखेंगे आप थोड़ा सा ब्रॉड एस्पेक्ट करके, तो सिंपल सा फंडा ये निकलेगा, जियो से जियो पे आप कॉल करेंगे तो आपको 6 पैसा नहीं देना है, जियो से अदर पे जाएंगे तब देना है। तो बेसिकली जियो जो है अपने आप को सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री है इंडिया में 34 करोड़ के साथ, और इसका जो राइवल फर्स्ट नंबर पे है आइडिया वोडाफोन दोनों कंबाइंड में 38 है, तो 4 करोड़ का डिफरेंस है सिर्फ। और जियो का प्लान लगभग कुछ न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से वो आया है कि जियो इंडिया में 50% मार्केट टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक्वायर करना चाहती है। तो लगभग मान के चलिए 34 करोड़ जो है इसको डबल करना है, ऑलमोस्ट 65 to 70 करोड़ के आसपास। तो ये एक हिसाब से इसका बेस्ट विजन के हिसाब से चल रही है, बेस्ट मास्टर स्ट्रोक है इसका। तो इसमें क्या होगा, जब ये 6 पैसे पर मिनट लगाएगी तो कुछ जो लोग हैं जिनके पास जियो नहीं है, परिवार के लोग हैं, शायद घर में अगर 4 सदस्य हैं 2 लोगों के पास या 3 लोगों के पास जियो है और 1 के पास नहीं है, तो जो 1 बचा है वो भी जियो में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इस तरह से जो लोग इस जियो से नहीं जुड़ पाए अभी तक, धीरे धीरे वो भी कन्वर्ट होकर जियो में आएंगे। और इस चीज़ से 6 पैसे पर मिनट से जो है कुछ लोग जो हटेंगे वो बहुत कम मार्जिन में हटेंगे, कुछ लाख लोग हटेंगे, लेकिन इस चक्कर में जुड़ेंगे बहुत लोग। तो आप आगे चल के देखेंगे कि जियो का मार्केट बेस 35 करोड़ 50 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ के आसपास आने वाले कुछ टाइम में पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से जियो जो है अपने आप को इंडिया की टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे स्थापित कर देगा। ये जियो का प्लान है अगले कुछ साल के अंदर, कुछ साल गलत बोल दिया मैंने, कुछ महीने के अंदर, 1-2 साल के अंदर जो है आप जियो जो है एकदम से बिग एलिफेंट की तरह जो है मार्केट में आएगा, सबसे बड़ा, इसके आगे सब छोटे पड़ जाएंगे। तो ये जियो का सिंपल सा मास्टर प्लान है और ये प्लान बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। और हमें काफ़ी लोगों को ये चीज़ भी हमें नहीं पता थी कि ऐसा भी कुछ होता है कि 6 पैसा पर मिनट देना होता है। पर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जब वो कोई भी इंडस्ट्री है जब वो आती है, टेलीकॉम की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी इंडस्ट्री आती है तो सबसे पहले गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन पढ़ती है, उसके बाद ही आती है। तो इस चीज़ के बारे में जियो जब अस्तित्व में नहीं था, शायद प्लानिंग पीछे चल रही होगी, तभी से ये चीज़ जियो ने 2016 शायद अक्टूबर में आई थी, जियो सितंबर अक्टूबर में, तो स्टार्टिंग में उसने 3 महीने का जो प्लान दिया था आपका, दिवाली ऑफर फ्री, उसके बाद न्यू ईयर ऑफर फ्री दिया था, न्यू ईयर पे जनवरी, पहले अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिया था 2016 में, फिर जनवरी फरवरी मार्च न्यू ईयर का प्लान दिया था। उसके बाद वो धीरे धीरे थोड़ा सा पैसा लेते गए, आज 350-400 के आसपास 3 महीने का रिचार्ज है आपको, 1.5 GB पर डे और कुछ मैसेजेज और आपका फ्री टॉक टाइम मिलता है। अब फ्री टॉक टाइम में जो है ये भी जोड़ दिया गया है, फिलहाल बस इतना कहा गया है रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ की तरफ से कि जब ट्राई ये चार्जेस हटा देगा तो हम भी ये चार्जेस हटा देंगे। ट्राई कब तक हटाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के हिसाब से ये आ रहा है कि ट्राई इस पर अभी जो है विचार कर रहा है। अब विचार कब तक चलेगा वो तो ट्राई की एजेंसी के लोग जाने और ट्राई जाने। तो जब ये मीडिया में रिपोर्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी कि ट्राई क्या इसे हटाएगा या नहीं हटाएगा, तो हमें पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि आगे का जो है इनका गेम प्लान क्या है। तो ये छोटी सी जो टॉपिक थी, जिनके पास भी जियो सिम है उनके लिए भी है, और जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए छोटा सा टॉपिक है ट्राई का। ट्राई के फुल फॉर्म आती है कभी कभी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 20 फरवरी 1997 को एस्टेब्लिश हुई थी, न्यू दिल्ली में है, राम सेवक शर्मा इसके चेयरमैन हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन गया, बाकी आपकी जनरल नॉलेज है जिनके पास भी जियो का सिम है, तो आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू।